बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी की बड़ी बैठक, कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनेगी इस बैठक में। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह के निवास पर बैठक का आयोजन किया गया है। ओबीसी वर्ग के मंत्री विधायक इस बैठक में शामिल हैं। वहीं आपको ये भी बता दें, कांग्रेस को ओबीसी वर्ग विरोधी बताने में बीजेपी पूरी तरीके से जुटी हुई है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी भूपेंद्र सिंह के आवास पर पहुंच चुके हैं। ओबीसी आरक्षण विधानसभा सत्र पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस को घेरने की रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे होंगे इस बैठक में चर्चा किए जाएंगे और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता विधायक इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि रणनीति आज बनाई जाएगी और कल विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होने वाला है और उससे पहले आज ये बैठक काफी अहम। और सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी सदफ का। सदफ जुड़ गई है लाइव। सदफ, अभी फिलहाल क्या अपडेट, क्या बैठक शुरू हो गई है? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल सर्वदलीय बैठक के लिए जो मंत्री हैं वो विधानसभा पहुंच रहे हैं और सर्वदलीय बैठक के बाद जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उनके बंगले पर यह बैठक रखी गई है। यानी कि सर्वदलीय बैठक के बाद जब मंत्री भूपेंद्र सिंह बंगले पहुंचेंगे, फिर ओबीसी नेता और विधायक मंत्री भी उनके बंगले पर पहुंचेंगे, एक बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है पंचायत चुनाव को लेकर, ओबीसी आरक्षण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, इसी मामले को लेकर अब जिम्मेदारी दी गई है नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को। उनके बंगले पर एक बड़ी बैठक होगी और उसमें रणनीति तय की जाएगी कि आगे किस तरह से, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना है। इसके अलावा कांग्रेस को किस तरह से घेरना है, क्योंकि देखिए इसी मुद्दे को भुनाने में बीजेपी फिलहाल जुटी हुई है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है, उनका कहना है कि कांग्रेस ने जो याचिका दायर की थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है और ओबीसी विरोधी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हुए इस बैठक का आयोजन किया गया है। बिल्कुल, और इसी पर फोकस जो है वो किया भी जाना है और इसी मुद्दे को बनाने की कोशिश भी की जाएगी इस बैठक में। सदफ आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।